I am Sailendra Babu, Director General of Police and Head of the Police Force, Tamil Nadu Police speaking. Somebody in Bihar has posted a false and mischievous video saying that the migrant workers of Bihar are attacked in Tamil Nadu. Two videos are posted in that and both are false videos. These two incidents happened in earlier in time in Tirupur and in Coimbatore, and in both cases they are not clashed between the people of Tamil Nadu and the migrant workers. One is the clash between two groups of Bihari migrant workers. Another video is a clash between the local residents of Coimbatore. They are all Tamil Nadu people. When that is a fact, if facts are twisted to make it appear as if the migrant workers of Bihar are attacked in Tamil Nadu. Here, people are living very peacefully. Law and order is maintained very well and strictly in the state of Tamil Nadu. All the people are living in harmony. Those people who are spreading false rumors and wrong information will be prosecuted. We propose to take criminal action against such mischief mongers. मैटर के संबंध में बात करना चाहते हैं. आज कुछ चैनल्स द्वारा एक खबर दिखाई जा रही थी कि बिहार के लोगों के साथ तमिलनाडु में बर्बरतापूर्ण व्यवहार से रिलेटेड कुछ वीडियोस जो हैं वो दिखाए जा रहे थे. यह जानकारी बिहार पुलिस को प्राप्त हुई और इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक बिहार ने महानिदेशक तमिलनाडु से बात की और उनसे यह अनुरोध किया कि इसके संबंध में जो मामले की जो सच्चाई है वो हमारे सामने रखें ताकि हम आपसे इस संबंध में जो है जो प्रॉपर सच्चाई है वो साझा कर सकें. तमिलनाडु पुलिस के द्वारा इन वीडियोस का पुरजोर खंडन किया गया है. उनके द्वारा बताया गया है कि पहला जो वीडियो है वो एक उपेंद्र थरी नामक व्यक्ति द्वारा भवन यादव की हत्या से संबंधित वीडियो है और ये जो हत्या है आपसी विवाद में की गई है. ये जो हत्यारा और जो मृतक है दोनों ही बिहार और झारखंड के रहने वाले लोग हैं. इनमें से कोई भी तमिलनाडु का व्यक्ति नहीं है. ये तिरुपुर की घटना है. इसके साथ ही एक और वीडियो वायरल हो रहा था. वो जो वीडियो है दूसरा वो कोयम्बतूर का वीडियो है और उसमें एक हत्या का ये वीडियो है. ये इसमें जो मृतक और अक्यूज जो दोनों व्यक्ति हैं वो तमिलनाडु के लोग हैं. उनका कोई सरोकार नॉर्थ इंडिया से नहीं है. इसमें कोई भी नॉर्थ इंडियन व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है. तो तमिलनाडु पुलिस ने ये जानकारी हमें दी है. हम आपसे शेयर कर रहे हैं. शेयर करने के साथ ही हम आपसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि कृपया पुनः अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया जब तक मैटर को वेरीफाई नहीं करें तब तक कोई भी भ्रामक न्यूज़ इस प्रकार नहीं चलाएं क्योंकि इससे अफवाह फैलती है और जो है ये लीगली लायबल हैं जो लोग इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं. ये कानूनन जुर्म है. जी हाँ, तमिलनाडु पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है और जैसे ही वो हमसे कुछ शेयर करेंगे हम आपसे डेफिनेटली शेयर करेंगे. आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम. हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं. आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज. पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क.